तो वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन 2019 के, वो भी फ्लैगशिप लेवल के। अगर आप फ्लैगशिप लेवल में एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, वो भी 2019 के लास्ट तक, और आप जानना चाहते हैं कि कौन से सबसे बेस्ट फ़ोन है 2019 में जो कि फ्लैगशिप लेवल पे रहे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन 2019 के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो एक प्रीमियम और फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन, वो भी 2019 के फ्लैगशिप लेवल के। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है iPhone 11 Max Pro, जो कि हमारी लिस्ट में सबसे नंबर वन पे है, और ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ आप लोगों को मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को एप्पल के तरफ से आने वाली A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलती है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की, जो कि HD+ होती है, जो कि फुल HD+ होती है, और ये OLED डिस्प्ले होती है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, और फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए क्वालिटी परफॉर्मेंस कैमरे की, तो बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलती है। वहीं पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर देखा जाए फ़ोन बहुत ही महंगा है, जैसे कि अगर आप एक प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाहते तो और भी फ़ोन्स मिल जाएंगे, बट अगर iPhone 11 Max Pro की बात करें तो ये इस सेगमेंट का सबसे महंगा फ़ोन माना जा सकता है। 1,09,000 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन मिलता है, और इसकी खूबियाँ भी उसी तरीके से हैं, जैसे कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चिपसेट देखने को मिलती है, एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इस फ़ोन में आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ, यानी हर चीज़ में आप लोगों को एक अच्छा और पावर पैक फ़ोन मिलता है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। अब आते हैं अपने दूसरे फ़ोन की तरफ। अगर दूसरे फ़ोन की बात करें तो सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग नोट 10 प्लस एक हमारा दूसरे नंबर पे, और एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल एंड एफिशिएंट फ़ोन है। और अगर इस फ़ोन की बात करें तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। वहीं पर साथ में अगर इस फ़ोन की बात करें तो इसमें आप लोगों को प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाती है, जिससे कि अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन लेना हो तो उसके बजट में ये आराम से फिट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। बात करें अगर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की, तो यहाँ पे आप लोगों को सैमसंग एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 12GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जहाँ पर 6.8 इंच की फुल HD+ डायनोमिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। लुक में देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, होल पंच डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, और अगर देखा जाए तो लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आप लोगों को स्टाइलिश भी मिलता है। और साथ ही साथ कैमरे की बात करें तो 12+12+16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, जहां पर 10 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, जो कि होल पंच डिस्प्ले के साथ होता है। और अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो 4300 mAh की बैटरी, यानी कि 4300 mAh की बैटरी, और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ USB टाइप सी पोर्ट जैसा ऑप्शन भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिलता है। बात करें अगर प्राइस की तो 79,999 रुपीज़ की कीमत, यानी 80,000 रुपये की कीमत। अगर यहाँ पर तीसरे फ़ोन की बात करें तो हमारा फ्लैगशिप लेवल पे और एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला OnePlus 7T Pro एक बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी डिस्प्ले और कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो प्रोसेसर के मामले में बहुत ही ऑसम ये फ़ोन हो जाता है। और अगर बात करें तो इसमें प्राइस भी आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस।
देखा जाए तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.9 गिग्स का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। यहाँ पर डिस्प्ले 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले 515 PPI डेंसिटी के साथ, यानी कि ब्राइट एंड क्रिस्प आप लोगों का फ़ोन हो जाता है। कैमरे की बात करें तो 48 प्लस 16 प्लस 8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है डुअल LED फ्लैश के साथ, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में यानी कि पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4085 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, मिली एम्पायर बैटरी। वेब चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB टाइप सी पार्ट जैसा ऑप्शन आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो 53,499 रुपीज़ की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिलता है, यानी कि 53,000 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाता है। चौथा फ़ोन आता है हमारा iPhone 11। अगर एप्पल का iPhone 11 देखें तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुए थे, और इनकी भी कीमत बहुत ही हाई थी, बट अब इनकी कीमत घट चुकी है और इसकी स्पेसिफिकेशन तो तगड़ी है ही। तो चलिए जानते हैं इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन। अगर बात करें iPhone 11 की तो एक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है 2.6 GHz का, एप्पल A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलती है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। यहाँ पर डिस्प्ले 6.1 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 324 PPI डेंसिटी के साथ, IPS LCD। कैमरे की बात करें तो 12+12 मेगापिक्सल का डुअल क्वाड LED ट्रू टोन फ्लैश के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है, और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 3110 mAh की बैटरी, यानी कि 3110 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो 64,800 कुछ रुपए की कीमत में आप लोगों को मिल जाता है, और आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि आप कौन सा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं तो जल्दी से बता दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन जो कि फ्लैगशिप लेवल पर लेना चाहते हैं और 2019 के लास्ट तक ले भी सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपने यहाँ पे पांचवें फ़ोन की, Huawei की तरफ से आने वाला Mate 30 Pro। एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का लुक देता है, और एक बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ, जहां पर प्राइस भी आप लोगों को बहुत ही ऑसम देखने को मिल जाती है। Huawei के P30 Pro की बात करें तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। Huawei P30 Pro की अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.6 GHz का हाई सिलिकॉन कीरिंग 980 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसमें आपको अगर गेमिंग करना हो या फिर आपको बल्टी टास्क वर्क करना हो, एनी डे बाय डे वर्क या फिर हैवी ड्यूटी वर्क करना हो, सभी को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। 8GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि OLED डिस्प्ले होती है, और यहाँ पर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्टाइलिश भी लगती है देखने में। यू शेप नॉच डिस्प्ले मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ़ोन देखने में। कैमरे की बात करें तो 40+20+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है डुअल कलर LED फ्लैश के साथ, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4200 mAh की बैटरी, सुपर चार्जिंग और USB टाइप सी पार्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 68,000 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहाँ से इन फ़ोन्स को बाय कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने छठे फ़ोन की तरफ। छठे फ़ोन की बात करें तो हमारा एप्पल iPhone XR एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन साथ ही साथ प्राइस के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं एप्पल के iPhone XR की स्पेसिफिकेशन और प्राइस। परफॉर्मेंस की बात करें तो हेक्सा कोर 2.4 GHz का आप लोगों को एप्पल A20 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, 3GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहाँ पर डिस्प्ले अगर देखी जाए तो 6.1 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 324 PPI डेंसिटी के साथ देखने को मिलती है LCD। और कैमरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है क्वाड LED टोन ट्रू टोन फ्लैश के साथ, और 7 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 2
2942 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। बात करें अगर यहाँ पर प्राइस की तो 46,000 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, आप लोगों को अच्छे स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल रही है। अब जानते हैं अपने सातवें फ़ोन, बात करेंगे हम अपने सातवें फ़ोन की। अगर सातवें फ़ोन की बात करें तो सैमसंग का S10 Plus एक बहुत ही ऑसम फ़ोन है, जो आप लोगों को फ्लैगशिप लेवल में एक बहुत ही ऑसम फ़ोन मिल जाता है और इसकी प्राइस भी आप लोगों को अच्छी मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। सैमसंग S10 Plus की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.7 GHz का आप लोगों को सैमसंग एक्सिनॉक्स 9 प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहां पर डिस्प्ले अगर देखी जाए तो 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले जो कि कर्व डिस्प्ले होती है, यहां पर आप लोगों को ओल्ड पंच डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट यहां पर आप लोगों को डुअल कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट में 12+12+16 MP का ट्रिपल कैमरा रियर में देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 10+8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4100 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, USB टाइप सी पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलते हैं। और अगर इस फोन की बात करें प्राइस की तो 66,000 रुपए की प्राइस में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो ये था एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन और इसमें आप लोगों को HDR+ जैसे HDR10+ जैसे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। अब बात करते हैं अब अपने आठवें नंबर के फ़ोन की। आठवें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर OnePlus 7T आपका बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ हो सकता है, प्राइस भी एक बहुत ही अच्छी हो सकती है। OnePlus 7T मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल इन स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन है। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेक्स और प्राइस। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा को 2.9 GHz का स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहाँ पर डिस्प्ले अगर देखी जाए तो 6.5 इंच की फुल HD फ्लूड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 402 PPI डेंसिटी के साथ। और अगर देखा जाए तो लुक वाइज भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ़ोन। कैमरे की बात करें तो 48+16+12 MP का डुअल कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 16 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें 3800 mAh की बैटरी, वेब चार्जिंग का ऑप्शन और USB टाइप सी पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर प्राइस की बात करें तो 34,999 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं अपने नवे नंबर के फ़ोन की तरफ। और अगर नवे नंबर के फ़ोन की बात करें तो एप्पल का iPhone XS Max एक हमारा नवे नंबर पर आता है और इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन और प्राइस देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की तो एक्सा कोर 2.4 GHz का एप्पल A12 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। जहां पर अगर डिस्प्ले देखी जाए तो 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि OLED डिस्प्ले होती है 456 DPI डेंसिटी के साथ। कैमरे की बात करें तो 12+12 MP का डुअल प्राइमरी क्वाड LED ट्रू टोन फ्लैश के साथ मिलता है, 7 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। और बैटरी की बात करें 3174 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। बात अगर करें इस फ़ोन की प्राइस की तो 92,000 रुपीज़ की प्राइस, यानी कि 92,000 रुपये की कीमत में मिलता है। क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही ओवर प्राइज होने की वजह से मैंने इसको नवे नंबर पर रखा है। अब आता है हमारे दसवें नंबर का फ़ोन। और अगर दसवें नंबर की फ़ोन की बात करें तो ये आता है आसुस की तरफ से ROG Phone 2, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन है, जो कि गेमिंग के लिए है। तो चलिए जानते हैं कि ये गेमिंग के लिए कितना अच्छा है आप लोगों के लिए और डे बाय डे यूज़ में क्या होता है। आसुस ROG फ़ोन 2 की बात करें तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.9 GHz का स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहां पर डिस्प्ले 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है 391 PPI डेंसिटी के साथ। कैमरे की बात करें तो 48+13 MP का डुअल LED फ्लैश के साथ कैमरा मिलता है और 24 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। लुक वाइज भी देखने में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन लगता है। और बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी, हाइपर चार्जिंग, USB टाइप सी पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 58,000 रुपये की कीमत में ये आप लोगों को फ़ोन देखने को मिलता है। इसकी भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये फ़ोन सजेस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादातर।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि फ्लैगशिप लेवल के थे। और अगर इन फोन्स की बात करें तो ये फ़ोन्स बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आप लोगों को मिलते हैं। इन फोन्स में बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। इन फोन्स की प्राइस भी आप लोगों को एक अच्छी मिलती है, यानी कि अगर आपको फ़ोन लेना हो तो आप सैमसंग के या फिर यहाँ पर Xiaomi के फ़ोन्स जो हैं उनके साथ जा सकते हैं। और OnePlus भी अपने फ़ोन्स को लॉन्च करता है तो इन फ़ोन्स के साथ जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपको Apple ज़्यादा पसंद है तो आप Apple के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन भी दबा लीजिएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पट्टी पे आप लोगों को लिखा मिल रहा होगा ओ उबैद के नाम से, आप उससे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।